अब हम जा रहे हैं यहाँ से और हमारा चेकआउट करने का टाइम हो गया है और जम्मू को अलविदा करने का टाइम हो गया है और हम ये रूम छोड़ रहे हैं। बहुत अच्छा रूम था और 1100 में 2 दिन के लिए मिला था हमें। और अब हम मिलेंगे आपसे अमृतसर में। अभी हमारी ट्रेन है जालंधर के लिए, जालंधर से हम बस पकड़ेंगे फिर अमृतसर जाएंगे। तो वो ब्लॉग मैं शेयर करने वाली हूँ, आई होप कि मेरा वो भी ब्लॉग आपको पसंद आएगा। और अभी तो मैं जा रही हूँ यहाँ पे, हस्बैंड चले गए नीचे। मैंने सोचा कि थोड़ा सा लास्ट टाइम पे आप लोग से बात कर लूँ कि जम्मू से मैं जा रही हूँ। और आपने मेरे 2 ब्लॉग को बहुत अच्छा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा। तो अब गोल्डन टेम्पल का वीडियो मैं लेके आने वाली हूँ और उसके बाद बाघा बॉर्डर जाएंगे और अमृतसर में जो भी घूमने वाली जगह है वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। हम लोग मतलब सो के उठे हैं डायरेक्ट रात के 8 बजे और बहुत तेज़ वाली मतलब चेहरा पर अभी तक धूल ही नहीं है। हम लोग वैसे ऐसे ही जा रहे हैं। आप के ब्लॉग बना रहे हो? हाँ जी हाँ हाँ, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं होटल से और मतलब होटल भी सस्ता था और काफ़ी अच्छा होटल था। आप लोगों ने देखा ही, नया अभी होटल खुला हुआ है और जस्ट होटल माँ करके उसके पास में था। और ये लोग गाड़ी की व्यवस्था भी किए हैं हमें स्टेशन छोड़ने के लिए किसी बिना किसी चार्ज के। लाइट वाल है केड़ी लाइट ये चल रहे हैं वीर अपने अपना हो रहा है। ये वाली फोटो हम लोगों की जानी थी, वाली हम नहीं खिंचा पाए, सो होते ही रह गए। नहीं तो तुम्हें फोटो निकाल के देता वो। यहाँ पे होटल से और जा रहे हैं स्टेशन, कटरा स्टेशन। तो स्टेशन देखेंगे कैसा है। अजय ने कहा बहुत अच्छा है, फिर वहाँ से हमारी पर हम लोग अमृतसर के लिए जाएंगे और फिर नेक्स्ट ब्लॉग और इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर। हमें गाड़ी ने छोड़ दिया और हम आ गए हैं कटरा स्टेशन के पास और यहाँ के मार्केट का थोड़ा व्यू दिखाती हूँ। और मैं दिखाती हूँ वैष्णो देवी माता मंदिर, देखिए सामने। ओह माय गॉड, हमने यहाँ दर्शन किया था हमने। इस तरीके से मार्केट है। तो हम चल रहे हैं अभी और ये हस्बैंड चल रहे हैं। थोड़ा हम लोग पैर की सिकाई वगैरह किए थे, सेकने वाला हम लेके आए थे। और सामने देखिए माता रानी का भव्य पहाड़ दियों से सजा हुआ, ऐसा लग रहा है ना कितना सुंदर। जम्मू कश्मीर पुलिस कटरा, इतना चढ़ाई चढ़ लिए थे जैसे लग रहा है कि वो खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे हैं, इनका बहुत चलना पड़ रहा है। तो ये सामने कटरा है, श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। एंड लोग यहाँ पे लेटे हुए हैं जो ये रहा हमारा कटरा रेलवे स्टेशन और पीछे देख रहे हैं फूड कोर्ट है, बहुत अच्छा आ रहा, मतलब हम लोग को खाने पीने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो अभी हम लोग ऊपर जाएंगे तो पता चलेगा। मैं सोचती थोड़ा सा आपको यहाँ श्री शक्ति आपकी, देखिए लगी हुई मेरी ट्रेन और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। यही हमारी ट्रेन है, फूड कोर्ट का दिखा रहा है। हम जा रहे हैं ऊपर ऊपर, देखिए यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है। शॉपिंग, फूड स्टेशन, ISATC गेस्ट हाउस, क्लॉक रूम एंड अपर क्लास। तो हम चाह रहे हैं कुछ ले लेते हैं क्योंकि हम लोग खाएँ खाना 1 बजे का दोपहर का खाए हैं जम्मू में। यहाँ पे मतलब आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, सही है ना? बिल्कुल साफ सुथरा एकदम स्टेशन है। कोई कहेगा कि हम लोग रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी मॉल में जा रहे हैं। हाय, देखिए देखिए यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। अब हम फूड स्टेशन पे जा रहे हैं,
लॉकर्स भी हैं यहाँ पे। देखो मैं सामने शीशे में देख रही हूँ, मतलब शीशा कहीं भी मेरा छोड़ना नहीं है। फूड कोर्ट भी आपको साफ सुथरा है एकदम। अभी हम लोग वहाँ से आए हैं, एंट्री किए हैं। देखो कितना सुंदर यहाँ का फूड कोर्ट है, मतलब अभी तक जितने मैंने रेलवे स्टेशन पे घूमे हैं सबसे अच्छा फूड कोर्ट यहीं का है। गाइज़ मेरी आदत है कि मैं किसी भी रेस्टोरेंट में जाती हूँ तो मैं उसका मेन्यू शेयर करती हूँ, तो ये जो मेन्यू है बहुत ही किफ़ायती है। पूरा का पूरा आप स्टार्टर से लेके ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ कर सकते हैं। इवन आपको गुलगप्पा, चाट, पापड़ी, कॉफ़ी, टी कुछ भी लेना हो सब कुछ मिल जाएगा बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, और आराम से बैठ के आप खा सकते हो, जैसे मन करे वैसे खा सकते हो। बहुत ही अच्छा एम्बियंस था, मुझे तो फर्स्ट क्लास लगा। ग्रेट, बहुत अच्छा स्टेशन है, बहुत अच्छा स्टेशन है। इस स्टेशन पे आपको आइसक्रीम वगैरह, देखो पापड़ी, चाट, गप्पा सारी चीज़ें हैं भैया। लगेगा कि आप दावत में आ गए हो, ना कि किसी रेलवे स्टेशन पे। फूड कोर्ट गाइस बहुत अच्छा है, रेस्टोरेंट से कम नहीं लग रहा है ये फूड कोर्ट। मैं आपको अभी व्यू दिखाती हूँ, मतलब फ्रंट साइड से, और माता वैष्णो देवी का इन्होंने बैनर लगा के रखा हुआ है। देखिए लग रहा है ना रेस्टोरेंट में आया ना कि स्टेशन पे। फूड कोर्ट तो यहाँ पे सवाल का ही बहुत अच्छा है। और ये देखिए शॉप है जो अभी मैं दिखा रही थी, पब्लिक में भी मोबाइल पकड़ के वीडियो बनाने की। अब ब्लॉगर है तो इतना तो होना ही चाहिए, है कि नहीं। लेकिन हस्बैंड अभी बहुत सही है, उनसे नहीं हो पाता, अभी आदत हो जाएगी उनको भी। चलो तब तक हमारा खाना आता है, तब तक मैं आपसे कुछ बातें कर लेती हूँ। क्लिनिक का प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे, ये हम इस रास्ते से निकल रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे रिसेप्शन, और यहाँ पे जो स्टे करते हैं वो मतलब स्टेशन पे IRCTC की तरफ से जो मतलब रूम बुक करते हैं उनका रूम है सारा यहाँ पे। नाइस ना, और ये शॉप है यहाँ की, बहुत बढ़िया। हम लोग उस साइड से आए थे, उधर से ऐसे होते हुए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। राजमा चावल ऑर्डर करा है और अच्छा लग रहा है ये देखने में। और दूसरी चीज़ ये डोसा है, तीसरा ये आपका राजमा चावल है। ज़्यादा ही ऑर्डर कर दिया है, अभी नूडल्स पैक हो रहे हैं। कटरा रेलवे स्टेशन पे आपको खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, खाने पीने रुकने किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। यहाँ पर लगेगा कि आप होटल में आए हो, रेस्टोरेंट में। और यहाँ से माता रानी का दरबार ज़्यादा दूर नहीं है, आप यहाँ पे भी होटल स्टे कर सकते हैं। ऑटो करके माता रानी के दरबार से जा मतलब यहाँ तक छोड़ देगा आपको, फिर आपको ट्रैवल करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आप रह सकते हैं। दर्शन सबके आके ट्रेन पर चल जाएंगे। खाना भी अच्छा है, राजमा चावल तो टेस्टी है। राजमा चावल अच्छा है। मैंने यहाँ वाईफाई के लिए पूछा तो बोल रहे हैं जो यहाँ स्टे करते हैं स्टेशन पर, उधर रूम लेके रहते हैं, उनके लिए वाईफाई मतलब है, बाकी पैसेंजर के लिए नहीं है। यहाँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपको सिम लेना पड़ेगा। छोटी देर के लिए सिम लेने का क्या फ़ायदा, जब होटल में वाईफाई था ही, आप फिर हम पहुँच ही जाएंगे, बाहर निकलने ही वाले हैं, हमारा नेटवर्क आ ही जाएगा। जालंधर में अपना नेटवर्क आ जाएगा ना, अभी 3 घंटे बाद आ जाएगा। खा ले रहे हैं तो ज़्यादा आराम सोएंगे।
हम लोग जम्मू से बस करके डायरेक्ट कटरा आए थे, तो बस स्टैंड पहुंचे थे. आप डायरेक्ट दिल्ली से है ना कटरा के लिए स्टेशन? अरे वो है, आप डायरेक्ट आ सकते हैं ना दिल्ली से अभी कटरा के लिए. तो आप डायरेक्ट जहाँ से भी आ रहे हो कटरा तक के लिए रिजर्वेशन मिला है, तो आप स्टेशन आप आ सकते हैं कटरा स्टेशन. और यहाँ से माता रानी की दरबार बहुत पास में है, तो आप दोनों फैसिलिटी ले सकते हैं. इस तरीके से है, अब हमें जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे. यहाँ पे मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप लोग डायरेक्ट कटरा स्टेशन ही आएँ. यहाँ का स्टेशन का खाने का प्राइस बहुत रिजनेबल है, बहुत टेस्टी खाना है, और डायरेक्ट यहीं पे होटल भी मिल जाएगा. आप डायरेक्ट यहाँ से 2 किलोमीटर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं. तो आप बिल्कुल भी बस वगैरह या फिर कहीं से और जैसे हम लोग ने गलती किया है वैसा नहीं करिएगा. डायरेक्ट कटरा आइए, कटरा से आराम से दर्शन करने चाहिए. पीछे आ रहे हैं ट्रॉली लेके, B4 हमारा 2 नंबर है, 10:55 11 निकली थी गाड़ी. ग्यारह बजे हमारी ट्रेन जाने वाली थी और 11:30 बज गया है, अभी तक निकले नहीं है. हम लोग बैठे हैं और ज़्यादातर इसमें सीटें खाली हैं. मैं बाहर से दिख रहा है शीशा ही साफ नहीं है, इसी तरह जिसकी गाड़ी में बैठ के आए ना हम लोग होटल वाले. इनकी आंखें देखिए सूज गई बेचारे की. हमारी एमरजेंसी खत्म करके ही जा रहे हैं. तब सोने जा रही हो? जाओगे? केक काटेंगे ना, अभी ऑर्डर किया हो ना कि नहीं? ये नूडल्स हमने ऑर्डर करा था जो कि बहुत ज़्यादा हो गया था, और इसको अभी ये ख़त्म कर रहे हैं, नहीं सुबह तक ख़राब हो जाएगा. मतलब राजमा चावल डोसा दही 2 घंटे में हम लोग क्या क्या खा लिए हैं. बोलने ले ले कहीं आप, मुझे मालूम ही नहीं था कि आपने 1 प्लेट छोला वो राजमा चावल और डोसा अलग से करा हुआ है. आओ नहीं तो क्या, आप मुझे मना भी नहीं कर रहे हैं कि 3-4 प्लेट ऑर्डर कर चुके हैं तो ये क्यों ऑर्डर कर रहे हैं? इच्छा होगा तो जालंधर. अब इसके बाद हम जाएंगे यहाँ से अमृतसर बाय बस. सो एंजॉय जर्नी विद अस. मिलती हूँ थोड़ी देर. जालंधर रेलवे स्टेशन है एंड जालंधर रेलवे स्टेशन का नाम ही खत्म हो गया है, ऊपर की छावनी बची है और कैंट बचा हुआ है. तो यहाँ पे हस्बैंड पूछ रहे हैं बस स्टैंड जाना है हमें, फेयर पूछ रहे हैं उसकी. खाने पीने की और सुविधा होती है, टिकट वगैरह की सब कुछ है यहाँ पे भी. चलो तो हम जा रहे हैं बस. अमृतसर का 2 लोग का चार्ज है 220 रुपये. यहाँ गाइस हम अमृतसर आ चुके हैं और ये हमारा होटल रूम है. मैं आपको रूम दिखा रही हूँ. हस्बैंड सोए हुए हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो हम लोग अब आराम करेंगे. तो मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा रूम दिखा रही हूँ कैसा है. ठीक ही ठाक है, आई थिंक 700 लिया है 2 लोगों के लिए, तो ठीक ही चार्ज है इसका. और ये बिल्कुल भी बस स्टैंड के पास है. और यहाँ मैं हस्बैंड के पैर की सिकाई कर रही हूँ, अपनी भी किया है मैंने, क्योंकि बहुत दर्द है, बहुत दर्द है. हम लोग आराम नहीं किए और डायरेक्ट हम लोग चले आए हैं. तो यहाँ पे थोड़ी सी मुझे भूख लगी है क्योंकि इस समय हो रहे हैं सुबह के 10 बज रहे हैं और हम लोग अभी आराम ही कर रहे हैं. तो गाइज मिलती हूँ थोड़ी देर में. ये ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में. थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.